हम ना फरिश्ते को पुकार सकते हैं और ना किसी वलीउल्लाह को पुकार सकते हैं। पुकारो अल्लाह को। قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين। तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी दुआ सुनूंगा, कबूल करूंगा। और जो बरबिनाए तकब्बुर मुझसे नहीं मांगते वो जहन्नम में दाखिल होंगे, जलील और खार होंगे। हुजूर ने एक बात मुझे मतन याद नहीं है बहुत प्यारी फरमाई, देखो इंसानों से तुम मांगते हो कुछ तो एक दफा तो उसके माथे पर तेवरी पर बल पड़ ही जाता है, ये क्यों मेरे सामने हाथ सवाल किया, क्यों मुझे इससे मांग रहा है, चलिए बाद में कुछ वो दे ही दे, लेकिन नागवार गुजरता है। अरे उससे मांगो जो कहता है कि मुझसे मांगो और मैं दूंगा, वो ना मांगने पे नाराज है, उससे नहीं मांगते। रात के आखिरी सातों में या जिसे आप कहते हैं द स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, हदीस में आता अल्लाह नुजूल इजलाल फरमाते जिसको हम नहीं जानते कैसे नुजूल होता है, ज़ात बारी ताला और उसके मुताल्लिकात के बारे में जो बात आ गई कुरान में हदीस में वो हम मानते हैं, कैसा ये हम नहीं जानते, उसका हाथ है कैसा है हम नहीं जानते, उसका चेहरा है कैसा है हम नहीं जानते, उसकी साख है, उसकी पिंडली है कैसी हम नहीं जानते, वो सुनता है कैसे सुनता है हम नहीं जानते, क्या उसके कान है, क्या उसे भी साउंड वेव्स की जरूरत है सुनने के लिए, वो देखता है कैसे देखता है हम नहीं जानते, वो उतरता है कैसे उतरता है हम नहीं जानते, जो कुरान में आ गया हदीस में आ गया मान लीजिए बस, बाकी ये मुतशाबिहात में से है, इसकी खोद कुरेद में पड़ोगे तो फितने में मुबतला हो जाओगे, इब्तगाल फितनत व इब्तगा तावील। लिहाजा हदीस में आता है कि रात के आखिरी सातों में अल्लाह समाए दुनिया तक नुजूल फरमाते हैं और फिर निदा लगती है हल मिन साइलिन फाउतियहू, है कोई सवाल करने वाला मांगने वाला कि मैं उसे दूं, हल मिन मुस्तगफिरिन फाउफिर लहू, है कोई गुनाहों की माफी चाहने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं। हम अंटा गफील सो रहे, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं, राह किसे दिखा, अल्लाह के रास्ते पर चलने का फैसला करो, अल्लाह की राह में जिहाद का फैसला करो, फिर अल्लाह रास्ता खोलेगा। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वो लोग के जो हमारे रास्ते में जिहाद करें, मेहनत करें, मुशक्कतें करें, हम लाजिमन उन पर अपने रास्ते खोलते चले जाए। तो दुआ शिर्क फिद दुआ, मांगो सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह से, अल्लाह से, वो चाहे किसी फरिश्ते के जरिए, चाहे किसी फौत शुदा वलीउल्लाह की रूह के जरिए से, चाहे किसी को भी नहीं बराए रास्त अपने हुक्म से, उसकी तो कुदरत है जो चाहे करे, कुन फयकून, वो जैसे भी हो वो आपकी जरूरत पूरी करेगा, वही है जो कि मुश्किलात को हल करने वाला है, वही है कि रिस्क देने वाला है, वही है जो मर्ज से शिफा देने वाला है। पुकारो उसी को, मांगो उसी से।